आंसर जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। सुना आपने, 20 करोड़ में 6 जीरो होते हैं और 20 करोड़ में 6 जीरो बताने वाला व्यक्ति ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति प्रोफेसर है और इटावा से भाजपा का सांसद भी है। इनसे जब यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने पूछा कि 20 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, तो इन्होंने कहा कि 6 जीरो होती हैं। इतना कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए आखिर प्रोफेसर जो ठहरे। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इटावा में कार्यक्रम को संबोधित करते समय कुछ ऐसा हो जाएगा, ये मंत्री जितिन प्रसाद और इटावा लोकसभा सीट से सांसद प्रोफेसर रविशंकर कठेरिया ने सोचा भी ना था। मंत्री जी ने इटावा सांसद की चुटकी तो ले ली, लेकिन ये मजाक अब दोनों नेताओं को भारी बन रहा है क्योंकि इस पर अब राजनीति तेज हो गई है। बात आगे भी करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये वीडियो सुनते हैं। सांसद जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। बता दें कि ये वीडियो इटावा की है, जहां 10 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से 30 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने इटावा लोकसभा सीट से सांसद प्रोफेसर रविशंकर कठेरिया की चुटकी लेते हुए एक सवाल कर दिया, जिस पर सांसद जी का दिया गया जवाब अब चर्चाएं बटोर रहा। दरअसल कार्यक्रम को संबोधित करते समय जितिन प्रसाद ने इटावा में हो रहे सड़कों और पुल के निर्माण की जानकारी देते हुए उस पर खर्च हो रही राशि की संख्या भी बताई। इस दौरान उन्होंने बताया कि इटावा में 20 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई जानी है। इस दौरान उन्होंने सांसद जी की ओर इशारा करते हुए मजाक में पूछ लिया कि सांसद जी अगर बता दें 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। शायद जितिन प्रसाद ने इसलिए पूछा होगा कि ये जो बीजेपी के सांसद हैं ये प्रोफेसर हैं और इन्हें पता होगा कि 20 करोड़ में कितनी जीरो होती थी, लेकिन जितिन प्रसाद को क्या पता था कि प्रोफेसर साहब तो डब्बा गोल है। इस पर जरा सा भी वक्त गवाए बिना सांसद जी ने जवाब तो दे दिया, लेकिन अब वो ट्रोल हो रहे हैं। सांसद जी के दिए गए जवाब के बाद अब विपक्षी पार्टियों के निशाने साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव इस पर चुटकी लेते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ये गणित का गड़बड़ झाला है। उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि माननीय इटावा सांसद जी का गणित भी गड़बड़ झाले का शिकार है। वैसे दानवीर नजर आ रहे लोक निर्माण मंत्री जी विधानसभा सत्र में संबंधित विभाग पर आर्थिक चर्चा से भागते रहे। जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो तो गणित, रसायन, अर्थशास्त्र और इतिहास ही नहीं, वर्तमान पर भी संकट गहराया जाता है। ये ट्वीट है शिवपाल सिंह यादव का, जिसके माध्यम से उन्होंने जितिन प्रसाद और इटावा सांसद दोनों पर निशाना साधा है। बहरहाल यूपी सरकार के मंत्री और इटावा के सांसद दोनों खूब ट्रोल हो रहे हैं और विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।